गाजा में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक, स्कूल पर किया तगड़ा हमला, 100 फिलिस्तीनियों की गई जान। बड़ी खबर इजराइल हमास युद्ध को लेकर है। दोनों देशों के बीच जंग बढ़ती जा रही है। इजराइल द्वारा गाजा में लगातार बमबारी और एयर स्ट्राइक की खबरें बढ़ रही है। अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक 100 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों को मार दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी गाजा में विस्थापित लोगों के आवास वाले एक स्कूल को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि दर्जनों लोग ऐसे हैं जो लापता हैं या फिर घायल हैं। हमास द्वारा संचालित गाजा सरकार की मीडिया कार्यालय के अनुसार हमला उस वक्त हुआ जब लोग नमाज अदा कर रहे थे। कार्यालय ने एक बयान में कहा, इजरायली हमलों ने सुबह की नमाज अदा करते समय विस्थापित लोगों को निशाना बनाया, जिसके कारण हताहतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इससे पिछले हफ्ते गाजा में 4 स्कूलों पर हमला किया गया था। 4 अगस्त को गाजा शहर के विस्थापित लोगों के आश्रय के रूप में काम करने वाले 2 स्कूलों पर इजरायली हमला हुआ, जिसमें 30 लोग मार दिए गए और कई लोग ऐसे थे जो इस पूरे हमले में घायल हो गए। इससे पहले गाजा शहर में हमामा स्कूल पर इजरायली हमले में 17 लोगों की जान चली गई थी। 1 अगस्त को दलाल अल मुगराबी स्कूल पर इजरायली हमले में 15 लोग मारे गए थे। इजरायल का दावा है कि परिसर के अंदर आतंकवादी हैं जो हमास कमांड कंट्रोल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी समूह हमास ने गाजा पट्टी से दक्षिणी इजराइल के गाजा इलाके में सशस्त्र घुसपैठ करते हुए इजराइल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। इसको फिलिस्तीन की तरफ से दशकों में सबसे बड़ी झड़प के रूप में देखा गया। इस दौरान करीब 1,200 लोग मारे गए और कई लोगों को बंदी बना लिया गया। इजराइल ने इसका जवाब युद्ध स्तर पर दिया और मौजूदा वक्त में संघर्ष जारी है। इसके बाद ही इजराइल लगातार गाजा में स्कूलों सहित इमारतों पर हमले कर रहा है। 10 महीने लंबे युद्ध में गाजा में 40,000 से ज्यादा की ऐसी संख्या है जो फिलिस्तीनी लोगों की है, ये लोग मार दिए गए। युद्ध से तबाह तटीय फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर इजरायली एयर स्ट्राइक को लेकर है, जहां पर स्कूल पर हमला होता है और नमाज अदा करते हुए 100 से ज्यादा की वो संख्या है, फिलिस्तीनी लोगों की संख्या है जो मार दिए गए। बहरहाल इसराइल गाजा युद्ध पर हमारी नजर है। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।